फाइनली बॉलीवुड के वन ऑफ द एक्शन स्टार यानी सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने आज बॉक्स ऑफिस पर 34 दिन पूरे हो चुके हैं, तो वहीं 35वें दिन की रनिंग में थिएटर्स में चल रही है और फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन करती जा रही है। यहां आज हम बात करने वाले हैं गदर 2 मूवी की अब तक की यानी टोटल 35 दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। वहीं पठान फिल्म का हिंदी वर्जन लाइफ टाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए गदर 2 को और कितनी कमाई करनी होगी, दोस्तों ये आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप सनी देओल को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गदर 2 साल 2001 की गदर एक प्रेम कथा का दूसरा सिक्वल है, जो कि लगभग 22 साल के बाद हमारे सामने गदर एक प्रेम कथा का दूसरा सिक्वल है। और वाकई में इस फिल्म को ऑडियंस की जबरदस्त रिस्पांस मिला, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि 2001 में किसी ऑडियंस ने सोचा भी नहीं होगा कि गदर एक प्रेम कथा का दूसरा सिक्वल भी हमें देखने को मिलेगा। या तो डायरेक्टर को भी खुद भी नहीं पता था गदर एक प्रेम कथा का दूसरा सिक्वल बनने वाला है, लेकिन अचानक इस मूवी का प्लान बना और आज से लगभग 2 साल पहले इस मूवी का अनाउंसमेंट किया गया था और तब से ही ऑडियंस इस फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि गदर एक प्रेम कथा में सनी पाजी का लुक इतना ज़बरदस्त देखने को मिला था। दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि गदर 2 में कितना ज़बरदस्त देखने को मिला होगा, और ऐसा ही हुआ। जी हाँ दोस्तों, इतने भी ऑडियंस इस फिल्म को देखकर थिएटर्स के बाहर निकलते तो फिल्म की कहानी, क्लाइमैक्स और सनी पाजी की एक्टिंग परफॉर्मेंस की तारीफ करते नहीं थकते। और इतना ही नहीं है, बॉलीवुड की पहली फिल्म है जो कि एक कम बजट में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा तय कर लिया है। हाँ दोस्तों बताते चले, गदर 2 को 500 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होने में सिर्फ 24 दिन का ही समय लगा। दोस्तों फिल्म ने अपनी शुरुआती 32 दिनों में ही ऑल ओवर इंडिया से लगभग 115 करोड़ 58 लाख रुपए तक का कलेक्शन कर चुकी थी, तो वहीं 34वें दिन भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी ताबड़तोड़ जारी रखी और फिल्म ने यहाँ अपने 33वें दिन लगभग 50 लाख रुपये की शानदार कलेक्शन कर दिखाई। तो वहीं 34वें दिन भी फिल्म ने लगभग 50 लाख रुपए कमा डाले और इसी के साथ फिल्म ने 34 दिन के टोटल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 516 करोड़ 58 लाख रुपए देखने को मिले। 34 दिनों में फिल्म वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में लगभग 675 करोड़ 15 लाख रुपए तक की कलेक्शन कर चुकी है। दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म की आज की या नहीं 35वें दिन की कलेक्शन को लेकर, तो बता दें आज भी इस फिल्म को ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है कि आज भी वर्किंग डे होने की वजह से इतना जबरदस्त कलेक्शन तो करेगा नहीं, लेकिन बता दें कि बड़ा बहुत उछाल देखने को मिल रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पठान फिल्म की हिंदी वर्जन की लाइफ टाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड बीट करने के लिए गदर 2 को और कितना कमाना होगा। तो आप देख सकते हैं कि आज की कलेक्शन यानी लगभग 35 दिनों के कलेक्शन के फिल्म के साथ ही फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन जो है वो लगभग 517 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और पठान का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए गदर 2 को कम से कम 525 करोड़ रुपए के लाइफ टाइम नेट कलेक्शन करनी होगी, और अभी भी फिल्म को पठान का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कम से कम 8 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन करनी होगी। बाकी आपको क्या लगता है, क्या गदर 2 फिल्म पठान फिल्म का लाइफ टाइम रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी फिल्मों से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।